आज का टॉपिक्स है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, और इस पे हम लोग देखेंगे कि 1947 में हमारे इंडस्ट्रीज़ की क्या पोजीशंस थी 1990s में, और क्या इसके साथ प्रॉब्लम्स रिलेटेड है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ माना जाता है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है, क्योंकि स्टील जो है वो यूज़ होता है बेसिक मटेरियल को बनाने के लिए, जैसे कि मेटल प्रोडक्ट हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, अदर मशीनरीज हो गया, तो ये सब बनवाने के लिए स्टील का यूज़ होता है। तो इसलिए स्टील को जो एक बेसिक मटेरियल माना गया है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू साहब का एक व्यू था कि स्टील जो है एक सिंबल माना जाता है किसी भी इकोनॉमी के स्ट्रेंथ को, और ये साथ ही साथ उसके फ्यूचर को भी डिसाइड करता है, ठीक, उसके फ्यूचर्स को भी डिसाइड करता है। तो अगर इंडिया स्टील जो प्रोड्यूस करता है उसका एक अलग ही इंट्रेंसिक एडवांटेज होता है, ठीक। अगर हम बात करें इंडिया का, तो यहाँ पे रिचेस्ट आयरन ओर माइंस है, और उसमें हम लोग आयरन कंटेंट ओर जो है काफ़ी हाईएस्ट मात्रा में पाया जाता है, ठीक। अगर हम बात करें 1947 की, तो 1947 में जो हमारी टोटल कैपेसिटी थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का, वो 1.39 मिलियन टन्स था। कितना था? 1.39 मिलियन टन्स जो है 1947 में इंडिया प्रोड्यूस करता था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, और इस 1.3 मिलियन टन्स में 1 मिलियन टन्स तो सिर्फ टाटा ही खुद प्रोड्यूस कर लेता था, जो ना टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, और 0.3 मिलियन टन्स जो है IISCO जो इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन है ये कर लेते थे। अगर हम 1990 और 91 की बात किया जाए, 1990 और 91 की अगर बात किया जाए, तो इस टाइम में इसकी जो कैपेसिटी बढ़ के कितना हो गया? 10 मिलियन टन्स हो गया, ठीक। क्योंकि हम लोगों ने 6 इंटीग्रेटेड प्लांट्स को बिल्डअप किया था, ठीक। अगर 1996-1997 की बात किया जाए, तो इंडिया ने इम्पोर्ट किया था 6,870 करोड़ रुपया का आयरन और स्टील को इम्पोर्ट कर रखा था, मतलब फिनिश्ड स्टील को जो है इम्पोर्ट किया था। और 2001 की अगर बात किया जाए, तो 3570 करोड़ जो है इंडिया ने इंपोर्ट किया था, ठीक। अगर हम आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो इससे 2.5 लाख वर्कर ऑलरेडी इंगेज्ड है, मतलब इम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि जो काफ़ी हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है, ठीक। एक डाटा दिया हुआ है कि एक आदमी अगर इस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ पे, तो उसके लिए जो कैपिटल नीडेड है वो 1,20,000 का है, मतलब कि 1,20,000 कैपिटल पे एक आदमी जो है काम कर सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बुलाता है, हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक। और जो पहला जो इसका इन्वेस्टमेंट किया गया था, टोटल इन्वेस्टमेंट 1990-91 की अगर बात किया जाए, तो 4,000 करोड़ रुपया जो है इसमें इन्वेस्ट किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए इसको हाईली कैपिटल इंटेंसिव माना गया है, ठीक। अगर हम बात करें कि प्रोड्यूसर्स का, तो इंडिया जो है 15th पोजीशन आता है वर्ल्ड में, ठीक। और यहाँ का जो पर कैपिटा कंजम्पशन जो है इंडिया का, वो काफ़ी लो है, ठीक। इंडिया का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है ओनली 11 kg है, और अदर कंट्रीज़ के साथ अगर हम लोग कंपेयर किया जाए, तो US में 685 kg, रसिया में 428 kg, स्वीडन में 623 kg, ठीक है। तो इंडिया में जो है पर कैपिटा कंजम्पशन भी क्या है, काफ़ी कम है, ठीक। अब हम देखते हैं कि स्टील इंडस्ट्रीज़ इन द पब्लिक सेक्टर में जो इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज़ था, इसका क्या पोजीशंस था, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजोल्यूशन एक्ट को पास किया था, उसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट। और इसमें बेसिकली ये कहा गया था, ठीक है, कि
खास करके जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को जो इसको शेड्यूल ई इंडस्ट्रीज़ में रखा गया, और इसमें कहा गया कि जितने भी न्यू इनपुट्स बनेंगे वो सारा गवर्नमेंट जो है तय करेगा, मतलब गवर्नमेंट ही उसको जो है डिसाइड करेगा कितना इनपुट्स बनेगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सारा जो पब्लिक सेक्टर के हाथ में था। ये जो रिजोल्यूशन एक्ट जो हमारे था इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट जो 1946 के अकॉर्डिंग, ठीक। अगर हम बात करें पहला स्टील इंडस्ट्रीज़ कब आया और कहाँ आया और किसके साथ आया था, तो पहला जो स्टील इंडस्ट्रीज़ था वो 1954 में आया था, ठीक। 1954 में पहला स्टील इंडस्ट्री जो पब्लिक ओन्ड, मतलब पब्लिक के हाथ में था, टोटल पब्लिक ओन्ड स्टील प्लांट को जो है 1954 में आया था, ठीक। और एक जर्मन एग्रीमेंट से साइन हुआ था, ठीक, एक जर्मन बायलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ था, और एक रोरकेला में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और दूसरा जो स्टील प्लांट लाया गया था 1955 में, ठीक, दूसरा प्लांट कब लाया गया 1955 में, और एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और यूएसएसआर के बीच में, और इस प्लांट को सेटअप किया गया था कहाँ पे, विलाई में। उसके बाद एक तीसरा स्टील इंडस्ट्रीज़ को 1956 में लाया गया, जो कि ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया के बीच में कंसोर्टियम हुआ था, उसी के बीच जो इसको लाया गया था दुर्गापुर में 1956 में, ठीक। और ये जो तीनों इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप किया गया था, इसका जो कैपेसिटी था 1 मिलियन टन्स का था पर ईयर का, ठीक है। मतलब ये जो 1 मिलियन टन्स को जो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, इस व्यू पॉइंट ऑफ से इसको सेटअप किया गया था। अगर हम बात करें कि क्या प्रोग्रेस क्या रहा हमारे स्टील इंडस्ट्रीज़ का इनिशियल फेज़ में, अगर हम इनिशियल फेज़ की बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब प्लानिंग कमीशन स्टार्ट होने लगा था, तो जो स्टार्टिंग या फिर जो हम लोग इनिशियल फेज़ अगर हम लोग देखा जाए प्लानिंग में, तो उस टाइम जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ काफ़ी रैपिड जो उसका एक प्रोग्रेस देखने को मिला, ठीक है। लेकिन जो थर्ड प्लान के बाद जो है इसका ग्रोथ जो है काफ़ी स्लो डाउन हो गया, ठीक। क्योंकि यहाँ पे पावर शॉर्टेज हो गया था, पहला फैक्टर, ठीक, और पावर शॉर्टेज हो गया था सिर्फ एक्सेप्ट विलाई को छोड़ के, और दूसरा कि इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ कोयल का जो है इनअवेलेबिलिटी था, मतलब इतने अमाउंट पे इन अवेलेबल ही नहीं था। और तीसरा जो था, एक रिलेशंस जो है काफ़ी ख़राब था, डिस्टर्ब इंडस्ट्रियल रिलेशंस था दुर्गापुर और सम एक्सटेंट रौरकेला के बीच में, तो कहीं ना कहीं कॉपरेशंस नहीं था इंडस्ट्रियल के बीच में। तो तीन फैक्टर के कारण जो है थर्ड ईयर प्लान में जो है हमारा स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज़ का जो है काफ़ी एक स्लो रेट देखने को मिला। लेकिन अगर हम इमरजेंसीज़ की बात करें 1975-77 की बात किया जाए, तो इस टाइम में जो है काफ़ी बेटर यूटिलाइजेशन हुआ हमारी कैपेसिटी जो था स्टील प्लांट्स का, ठीक। तो 90% तक अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज़ किया, और ग्रेट अवेलेबिलिटी ऑफ कोयल का भी अवेलेबल था, ट्रांसपोर्ट एंड पावर भी ठीक था, और इम्प्रूवमेंट रिलेशंस भी हम लोगों का ठीक ठाक ही था 1975-75 में। तो जब आपको अगर कोई पूछता है कि कौन ऐसा समय था, मतलब कब ऐसा टाइम था जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का जो पोजीशंस ठीक था, तो इमरजेंसीज के टाइम 1975-77 के टाइम। तो ऐसा क्योंकि जो हमारे स्टील प्लांट्स था वो पूरे फुल यूटिलाइजेशन उसकी कैपेसिटी को क्या फुल यूटिलाइजेशन किया, 90% तक वो यूटिलाइज़ किया, ठीक। और उसके साथ साथ क्यों किया, क्योंकि भाई उसके पास बेटर अवेलेबिलिटी था कोल का, ट्रांसपोर्ट था, पावर था, और उसके साथ साथ एक रिलेशंस एस्टेब्लिश जो था, गुड रिलेशंस था अमोंग द इंडस्ट्रीज़ के बीच में। अब हम बात किया जाए सेल का मतलब हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको सेटअप किया गया था 1974 में, ठीक। और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि ये जो हमारे स्टील इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सके, और जो भी इनपुट्स लगे इस इंडस्ट्रीज़ को इस चीज़ को मुहैया, मतलब इस चीज़ को जो है वो डेवलप करें, इसीलिए जो है इसको बनाया गया था सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1974 में इसको बनाया गया था।
जैसे कि कोकिंग कोल को प्रोवाइड करवाना आयरन ओर को, ठीक। और सेल का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे हो गया कि भाई कोऑर्डिनेट का काम करता है, कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चले। और इसके अंडर में जो है सेल के अंडर में कौन कौन आता है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, बोकारो स्टील लिमिटेड, सलीम स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, ठीक, इसके अंडर में आते हैं, स्टील के अंडर में आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस इन द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या असेसमेंट हुआ देखने को अगर हम लोग बात किया जाए, ठीक। इनिशियली अगर हम लोग देखा जाए जो डेवलपमेंट हुआ स्टील इंडस्ट्रीज़ का, एक कहीं ना कहीं अपने आप में एक रिगार्ड रहा अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस का, ठीक। अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो 2001 के टाइम में 1 मिलियन टन्स फिनिश्ड स्टील जो है प्रोड्यूस करता था इंडिया खुद, 1 मिलियन टन्स को, 1 मिलियन टन्स को इंडिया खुद प्रोड्यूस करता था 2000 के टाइम में, ठीक, फिनिश स्टील को प्रोड्यूस करता था, सॉरी 1950 में प्रोड्यूस करता था कितना, 1 मिलियन टन्स, 1 मिलियन टन्स फिनिश्ड स्टील को प्रोड्यूस करता था। लेकिन अभी 2001-02 के टाइम में 31 मिलियन टन्स हो गया, 31.1 मिलियन टन्स हो गया, ठीक। अगर हम बात करें कि जो हमारा गवर्नमेंट जो है ना, पहले लाइसेंस को प्रोवाइड करता था कि जैसे आप इलेक्ट्रिक आर्क फर्नासेस को अगर बनाने के लिए, खास करके उसको सेमी स्टील प्लांट बोला जाता है, तो गवर्नमेंट काफ़ी सारे लाइसेंस को पहले प्रोवाइड करवाता था, जिससे जो हमारी फैक्ट्रीज था उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होता था। तो इस ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है हमारे प्रोग्रेशंस को स्लो डाउन करने के लिए, ठीक। तो प्रोग्रेस जो हुआ अगर 1990 की बात किया जाए, तो हम लोग जो स्टील को इंपोर्ट्स करते थे लगभग 2100 करोड़ का, ठीक, और वही 2002 के टाइम में 3975 करोड़ का जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया स्टील, इंपोर्ट्स स्टील का खास करके, ठीक। अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रिलेटेड है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज से, तो पहला प्रॉब्लम जो है इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इनएफिशिएंट मतलब पब्लिक सेक्टर जो है उसका जो काम करने का तरीका है या फिर जो काम कर रहा है उतना एक सफिशिएंट अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है, ठीक, मतलब एक इनएफिशिएंट तरीका से कर रहा है भाई, क्योंकि गवर्नमेंट को तो हर सेक्टर पे ध्यान देना होगा, उसको सोशल ओवरहेड्स पे ध्यान देना पड़ेगा, मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो उसका जो काम करने का तरीका था वो एक इनएफिशिएंट था, पहला प्रॉब्लम्स। दूसरा प्रॉब्लम्स था कि एक एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो फॉलो करता है मेनी ईयर्स से एक एडमिनिस्ट्रेटर प्राइस को, क्योंकि जो एक कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन स्टील अमंग द कंज्यूमर्स पे ही जो है बेसिकली वो डिपेंड। तो अगर हम लोग देखा जाए जब काफ़ी डिमांड होने लगा स्टील का, वेरियस आइटम ऑफ स्टील का, तो प्राइस कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन जो था हमारे स्टील लीड हैवी ब्लैक मार्केटिंग होने लगा, ठीक। और ये ब्लैक मार्केटिंग के कारण जो है जो भी एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसको प्रॉफिट मिलता ही नहीं था यार, और जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर था जो उसको ब्लैक होर्डिंग करता था उसको बेनिफिट मिल जाता था। तो कहना कि एक एडमिनिस्ट्रेटर प्राइस को भी जो है काफ़ी दिक्कत होता था, इसीलिए एक JPC जिसको हम लोग बोला जाता है ज्वाइंट प्लांट कमेटी बनाया गया, ताकि प्राइस को मॉनिटर कर सके और उसके साथ साथ एक अकाउंटेबिलिटी बना रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम से रिलेटेड, ठीक। तीसरा अगर हम लोग बात करें कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, मतलब भाई जितना उसका कैपेसिटी था उतना वो यूज़ ही नहीं कर पाता था। अगर हम बात करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का, जो ये जो वर्क कर रहा है वो काफ़ी अपने बिलो है, काफ़ी कम है अपने कैपेसिटी से। 1970 की बात किया जाए, जो हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस था हर प्लांट का ओनली 67% ही था, ठीक है, और इसमें टिस्को जो है सबसे ज़्यादा था जिसका 87% कैपेसिटी था, और सबसे कम दुर्गापुर का था जो 40% था इसका। और 1977 का बात किया जाए तो ये 84% हो गया विलाई को छोड़ के, विलाई 94% और टिस्को जो है वो 98% का जो उसका एक एफिशिएंसी था काम करने का, ठीक है। अब
चौथा अगर हम बात किया जाए तो सिकनेस ऑफ मिनी स्टील प्लांट, मिनी स्टील प्लांट का जो सिकनेस काफ़ी उसमें कमज़ोर देखने को मिला, मिनी स्टील प्लांट। ठीक, मिनी स्टील प्लांट उसको बोला जाता है कि जो हेल्प करता है जलाने में, जैसे कि अगर आयरन को जलाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को मोल्ट करने के लिए, तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी स्टील प्लांट्स। तो इसका भी काफ़ी सिकनेस देखने को मिला। ठीक, अगर हम बात किया जाए मेन प्रॉब्लम जो फेस हुआ, यूनिट इंक्लूडेड एक सप्लाई ऑफ इनपुट और उसके साथ जो शार्प इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ इनपुट, जैसे इलेक्ट्रोड का दाम बढ़ गया, स्क्रैप का दाम बढ़ गया, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, ठीक, उसके साथ साथ हमारा जो कैपिटल और एक पुअर मैनेजमेंट देखने को मिला, तो ये सब के चलते जो है क्या हो गया कि प्राइस लेवल काफ़ी बढ़ गया। तो इसीलिए मिनी स्टील प्लांट्स को क्या काफ़ी एक सिकनेस का सफ़र करना पड़ा। ठीक, लेकिन गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड किया, जैसे गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट किया मेल्टिंग स्क्रैप को, स्पॉन्ज आयरन को, ठीक है, विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी को इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में नहीं लगाया गया, और उसके साथ साथ एक फ्री डाइवर्सिफिकेशन इनटू ऑल ग्रेड्स कार्बन और अलॉय स्टील को सेटअप किया गया। ठीक, उसको डाइवर्सिफाइड किया गया। और चौथा प्रॉब्लम आता मेटलर्जिकल का। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।